स्पेशल जज ऊना डी.आर. ठाकुर की अदालत ने 12 साल 9 माह की नाबालिग को जबरन भगाने एवं उसके साथ दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी सलीम मोहम्मद 22 वर्षीय जिला ऊना को दोषी करार देते हुए विभिन्न धाराओं में कठोर कारावास भुगतने में एवं 32,000 रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। स्पेशल जज ऊना डी.आर. ठाकुर के अदालत ने 12 साल 9 माह की नाबालिग को जबरन भगाने एवं उसके साथ दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने आरोपी सलीम मोहम्मद जिला ऊना को दोषी करार करते हुए विभिन्न धाराओं में कठोर कारावास भुगतने एवं 32,000 रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर 3 साल का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। जिला न्यायवादी भीषम चंद ने बताया कि 7 फरवरी 2018 को 12 वर्षीय नाबालिग पीड़िता के पिता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी बेटी कहीं खो गई है, उसका कोई अता पता नहीं लग रहा है। इसी दौरान उसने बेटी को तलाश करते करते मोहम्मद सलीम को अपनी बाइक पर पीड़िता को कहीं ले जाते हुए देखा। नाबालिग के पिता ने सलीम की बाइक के रोकने की कोशिश की, लेकिन वह वहां से भाग निकला। इसकी सूचना उसने फौरन बाइक नंबर सहित पुलिस को दी। पुलिस ने आरोपी को झलेड़ा में लापता नाबालिका के साथ धर दबोचा। बच्ची का मेडिकल करवाया गया, जिसमें उसके साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच के बाद आरोपी को कोर्ट में चार्ज शीट किया गया। कोर्ट में मामले की पैरवी करने वाले जिला न्यायवादी भीषम चंद ने बताया कि मामले की तहकीकात अब के तत्कालीन SHO इंस्पेक्टर दर्शन सिंह ने की थी। वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में 21 गवाह पेश किए गए। स्पेशल जज डीआर ठाकुर की अदालत ने सलीम मोहम्मद को दोषी करार देते हुए 376 IPC के तहत 20 साल कठोर कारावास भुगतने और 15,000 जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर उसे 3 साल का साधारण कारावास भुगतना होगा। धारा 363 के तहत 5 साल कठोर कैद, 2,000 रुपए जुर्माना, जुर्माना देने पर 6 माह की साधारण कैद, धारा 366 के तहत 7 साल के कठोर कैद, 5,000 रुपए जुर्माना और जुर्माना न देने पर 1 साल की साधारण कैद, धारा 506 के तहत 1 साल कठोर कैद, जबकि पोक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत 10 साल कठोर कारावास और 10,000 रुपए जुर्माना, जुर्माना न देने पर 2 साल की साधारण कैद भुगतनी होगी। ये एक मामला था जो कि आज अदालत ने सजा करी हुई है अक्यूज्ड को, और 2/7/2018 का मामला था, जिसमें कि विक्टिम के पिता ने जो है पुलिस को शिकायत करी थी कि उसके बच्चे के साथ जो है सेक्शन 4 पॉस्को एक्ट और 376 IPC में जो है जुर्म हुआ है, और उसके मामले की शिकायत संज्ञान लेते हुए पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो है चार्जशीट फाइल करी थी। अक्यूज्ड का नाम है सलीम मोहम्मद, और फिर आज ट्रायल कंप्लीट होने के बाद ऑन मेरिट्स जो है उसको सज़ा दी गई, और इसमें मेनली जो है उसको 376 में जो है 20 साल की सज़ा हुई है, और पॉस्को की सेक्शन 4 में जो है 10 साल की सज़ा हुई है, और इसमें जो भी जुर्माने भी किए गए हैं तो 376 में 15,000 रुपये भी जुर्माना किया गया है, और अदालत ने यह भी बोला हुआ है कि ये जो जुर्माना जो है विक्टिम को दिया जाए। तो ये